देश भर के लोग लोकसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 4 जून 2024 को यह स्पष्ट हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं। इसी बीच वाराणसी के ज्योतिष पंडित संजय उपाध्याय ने उनके भविष्य का आकलन पेश किया है। पंडित संजय उपाध्याय ने नरेंद्र मोदी के राशिफल के आधार पर बताया है कि एनडीए इस बार 2/3 सीटें जीत सकती है, यानी एनडीए के खाते में 335 सीटें आ सकती हैं। कुंडली का विश्लेषण किया जाए तो वृश्चिक लग्न की कुंडली प्रधानमंत्री जी की प्राप्त होती है, और वृश्चिक लग्न में देखा जाए तो चंद्रमा और मंगल दोनों बैठे हुए हैं। चंद्रमा जहाँ नीच का है, मंगल वहीं स्वग्रही है, तो सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री जी का नीच भंग राजयोग बनता है। तो नीच भंग राजयोग का मतलब है कि जितना विरोध किया जाएगा व्यक्ति उतना ही बढ़ता जाएगा, और चंद्रमा की महादशा में वो प्रधानमंत्री बने पहली बार, और वर्तमान में मंगल की महादशा चल रही है। तो उस समय चंद्रमा जब क्या कहते हैं कि नीच का था और भाग्येश था, केंद्र में होने के कारण उनको प्रधानमंत्री बनाया, तो मंगल स्वग्रही है और अपने घर में है और नीच भंग राजयोग बना रहा है, तो अपने आप में एक महत्वपूर्ण योग है प्रधानमंत्री जी का। भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस बार जमकर प्रचार प्रसार किया है। 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में हुंकार भरी। चुनावी प्रचार में चाहे जो भी हुआ हो, लेकिन नरेंद्र मोदी का राशिफल उनके उज्ज्वल भविष्य की तरफ इशारा कर रहा है। पंडित संजय उपाध्याय के अनुसार मोदी का भविष्य चमकदार है और यह चुनावी जंग उनके पक्ष में हो सकती है। तो मंगल की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है, शनि पराक्रमेश है, तृतीयेश और चतुर्थेश। चतुर्थ भाव जो है जनता का भाव है, तृतीय भाव पराक्रम का भाव है। तो पराक्रमेश और जनता दोनों भाव के स्वामी एक ही ग्रह होने के कारण, और लग्नेश की दशा सदैव शुभ कारक होती है, और लग्नेश की दशा होने के कारण यह बहुत विशेष योग कारक होगा, क्योंकि वर्तमान में शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में है। अपने मूल त्रिकोण राशि में आकर के बृहस्पति के ऊपर से यह संचरण कर रहा है, गोचर हो रहा है, तो अपने आप में उत्तम राजयोग का निर्माण हो रहा है स्वयं जो है। तो इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छे मतों से विजयी होने के संकेत हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे? 4 जून को चुनावी नतीजों के साथ इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। ज्योतिष के अनुसार मोदी का भविष्य तो उज्जवल दिख रहा है, अब देखते हैं क्या कहते हैं चुनावी नतीजे। लोकल 18 के लिए वाराणसी से अभिषेक जयसवाल की रिपोर्ट। इस वीडियो में दी गई जानकारी ज्योतिषाचार्य अनुसार है, लोकल 18 इसकी पुष्टि नहीं करता है।